नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मीरा हैंदर, मेयर ज्योत्ना हसनाले का वार्ड नंबर 14 में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर BSUP स्कीम के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को फ्लैट दिया जा रहा है, इमारतें बनाई जा रही है। उन इमारतों के जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों को लॉटरी के माध्यम से घर दिए जा रहे हैं। लॉटरी सिस्टम पर स्थगति लाते हुए शिवसेना MLA प्रताप सरनाईक ने मनपा और राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि महानगर पालिका द्वारा जो लॉटरी सिस्टम बनाया गया है और जो एक समन्वय समिति बनाई गई है, उस समन्वय समिति में केवल भाजपा के ही पदाधिकारी है, शिवसेना के पदाधिकारी को उसमें शामिल नहीं किया गया है, जिसके चलते महानगर पालिका ने उस लॉटरी सिस्टम को स्थगति दे दी है, यानी कि लाभार्थियों को अब लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पूरे मामले में आज शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लाभार्थी भी मौजूद थे। इस मीटिंग का क्या मकसद था और क्या इसका निष्कर्ष निकला, आइए हम जानते हैं MLA प्रताप सरनाईक से। पिछले कई सालों से, कम अज़ कम 12 साल हो गए, मगर 12 साल से BSUP की ये जो योजना केंद्र शासन की थी, कांग्रेस सरकार जाने के बाद मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई और ये BSUP की योजना मंजूर हो गई, मगर पिछले 7 सालों में ये योजना बंद पड़ी हुई थी। तो हमारी सरकार राज्य में आने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नगर विकास मंत्री से ये योजना पूरी करने का मांग की थी और नगर विकास मंत्री जी ने 180 करोड़ रुपया मीरा भाईंदर महानगर पालिका को MMRDA के माध्यम से लोन दे के ये काम चालू करने का आदेश दिया। काम चालू हो गया, मगर बिल्डिंग नंबर 6 में जो 324 रूम है, उसमें से 294 लोगों को अलॉटमेंट लॉटरी के माध्यम से हुई ऐसे कहते थे, मगर उसमें कम से कम 30-40% लोग जो है वो बोगस लाभार्थी थे, ऐसी कंप्लेंट हमारे पास आने के बाद मैंने माननीय नगर विकास मंत्री जी को खत लिखा और ये बोगस लाभार्थियों को वहाँ से हटाने की मांग की। तो उन्होंने इंक्वायरी बिठाई और इंक्वायरी होने तक उसको स्थगित दी है। आज यहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने भी कहा, क्योंकि वो ओरिजिनल लाभार्थी वहाँ के हैं, कि साहब बहुत सारे लोग बोगस वहाँ पे घुसे हुए हैं। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जो 15-20-25-30 जो भी लोग रहेंगे, उनकी वजह से बाकी के लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। तो उनके नामों की यादी मैं कमिश्नर साहब को देने वाला हूँ, राज्य शासन के पास भी देने वाला हूँ और कहने वाला हूँ कि इन लाभार्थियों की जो सूची मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर इंक्वायरी करे, वो उसको स्टे दे दे और बाकी के लोगों को जो ओरिजिनल लाभार्थी उनको वहाँ पे पजेशन दे दे और उनका रजिस्ट्रेशन करे, ऐसी मांग मैं करने वाला हूँ अगले हफ्ते में। और निश्चित रूप से BSUP के लोगों के ऊपर जो अन्याय होता है वो अन्याय दूर करने की कोशिश शिवसेना के माध्यम से करूँगा। सर, वहाँ पर एक समन्वय समिति बनाई गई है, समन्वय समिति में आपके शिवसेना पार्टी के? नहीं नहीं, देखिए वो समन्वय समिति बोगस है, ऐसे समन्वय समिति के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। ये समन्वय समिति में ही बोगस लाभार्थियों को घुसा, इसलिए ये वक्त आ गया। हमारा यही कहना है, समन्वय समिति वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जो ओरिजिनल लाभार्थी है उनको अलॉटमेंट महानगर पालिका ने देख के कि नहीं वो जुने पुराने लोग हैं, उनको हक बनता है, वहाँ पे उनके झोपड़े थे, उनको वहाँ पे घर देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। यह समन्वय समिति वगैरह सब बोगस है, वहाँ के लोकल सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने बनाई गई हो बोगस समन्वय समिति है। सर, वहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं, जो लोकल कॉरपोरेटर है, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने ही लोगों को? नहीं, आरोप नहीं, ये हकीकत है। जो पुराने कॉरपोरेटर लोग हैं, हमने कहा है, लोग भी कहते हैं, एक एक कॉरपोरेटर ने 5-5-6-6 रूम वहाँ पे अपने कोई रिलेटिव, अपने कोई सगे संबंधी, अपने कोई ड्राइवर, अपने कोई लंबे के रिश्तेदार, सब लोगों को दिए। इसके ऊपर जांच बिठा के उनको जो लाभार्थियों की यादी में वो लोग हैं उनका नाम निकाल के सच्चे लोगों को वहाँ पे घर मिलना चाहिए। सर, ऐसा नहीं लगता है कि आप वहाँ पर आपके तीसरा टर्म है, आपके वो मतदार संघ में आता है और आपको ये सब कदम उठाने के लिए काफ़ी देरी हो गई है? मैं पहले से ही कदम उठा रहा हूँ, मगर केंद्र शासन की योजना, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सत्ता थी, वो योजना उन्होंने पूरी नहीं की। हम बार बार फॉलोअप कर रहे थे, बहुत सारे कमिश्नरों के पास सब लोगों को लेके जाते थे, मगर लेके जाने के बावजूद भी यहाँ की लोकल सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। मगर अभी हमारी सरकार आ गई, हमारे मुख्यमंत्री शिवसेना के हो गए, इसलिए निश्चित रूप से हम ये योजना हमारे सरकार के कार्यकाल में पूरी करेंगे। सर, भारतीय
जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में कई बीएसयूपी के जो लाभार्थी है पीछे तो नहीं जा रहे इनके राजकारण में? राजनीति का सवाल नहीं, अगर बोगस कोई लाभार्थी घुसाते हैं, बोगस समन्वय समिति बनाते हैं जिनका कोई संबंध नहीं है, वो उनको अगर उनको घर दिया जाता है तो शिवसेना तो रास्ते पे उतरेगी। हमको राजनीति नहीं करनी, अभी तक हमने राजनीति नहीं की, उनको काम करने दिया। मगर हम अगर अच्छा काम करें, अभी सीधी तरह से काम करें, तो हमारे बीच में आके उन्होंने रोकना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। यह शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक, जिन्होंने बताया कि बीएसयूपी स्कीम के जो लाभार्थी है उन लाभार्थियों की जो सूची बनी हुई है उस सूची में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नगर सेवकों ने अपने करीबी लोगों का नाम शामिल किया है। ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किया है, बहुत सारी धांधली वहाँ पर हुई है, जिसके चलते वहाँ पर एक इंक्वायरी बिठाने की ज़रूरत है। और वो ज़रूर इसकी मांग करेंगे कि इस पूरे मामले में एक इंक्वायरी हो और जो जेन्युइन जो लोग हैं, जो एक्चुअल में जो लाभार्थी है, उन्हें उनका लाभ मिल सके, लोगों को अपने हक का घर मिल सके और बोगस लोगों को उस सूची से बाहर किया जाए, इस तरह की मांग प्रताप सरनाईक करने वाले हैं। आइए अब हम जानते हैं कि दहिसर मीरा भाईंदर लिंक रोड को लेकर भी शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाईक ने कल कई अधिकारियों से मुलाकात की। वो किस तरह की मुलाकात थी और क्या मुद्दा था कि जिसके चलते मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को सुविधा मिलेगी, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी? अभी आपको पता है कि दहिसर चेक नाके पे बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या होती है। हमें मुंबई जाने के लिए खाली एक ही रास्ता है, थाना जाने के लिए भी एक ही रास्ता है। तो हमारी ऐसी मांग है कि मुंबई से जो वसई का जो रोड है उसके बगैर अगर दहिसर से डायरेक्ट मीरा भाईंदर आने के लिए रास्ता बनाया जाए, और वो रास्ता खाली 5 किलोमीटर का है, और रास्ते में 1.5 किलोमीटर का जो पट्टा है वो मुंबई महानगर पालिका है, और 3.5 किलोमीटर का जो पट्टा है वो मीरा भाईंदर का क्षेत्र में आता है, उसके ऊपर सिर्फ अगर ब्रिज बनाया जाए तो वो खर्चे वाला रास्ता है, मगर ब्रिज बनाया जाए और वो रास्ता अगर खुला किया जाए तो ट्रैफिक की समस्या जो उसका हल होगा। मीरा भाईंदर के लोगों को डायरेक्ट दहिसर से चेक नाके पे ठाकुर मॉल तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट दहिसर टोल नाके से पहले से ही लेफ्ट मार के मीरा भाईंदर शहर में आएंगे, भविष्य में वहाँ से वसई विरार भी जा सकेंगे, और वो रास्ता जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। कल ही हम मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर श्री चहल साहब, वेलारासू साहब अतिरिक्त कमिश्नर, हमारे महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी और MMRDA के एडिशनल कमिश्नर गोविंद राज जी, इनकी एक संयुक्त बैठक आदित्य ठाकरे जी के कहने के ऊपर हुई है, और आगे का जो किससे काम करना चाहिए, BMC में करना चाहिए, MMRDA में करना चाहिए या MSRDC में करना चाहिए, उसका अंतिम निर्णय 8-10 दिनों में ही आदित्य जी ठाकरे खुद और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी लेंगे, और निश्चित रूप से जल्दी नए साल में मीरा भाईंदर के लोगों को एक खुशी उस रास्ते के माध्यम से मिल जाएगी। दहिसर टोल नाका पर रोज़ाना सुबह और शाम होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए भाईंदर पश्चिम से लेकर दहिसर पश्चिम के बीच बनाए जाने वाले इस प्रस्तावित दहिसर लिंक रोड से मीरा भाईंदर नागरिकों को काफ़ी राहत मिलेगी, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, घंटों उन्हें समय बर्बाद करना पड़ता है ट्रैफिक जाम में। अब देखना है कि राज्य सरकार कितना गंभीर होती है दहिसर भाईंदर पश्चिम के इस लिंक रोड को लेकर, और कब तक का इस लिंक रोड का फ़ायदा मीरा भाईंदर नागरिकों को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी अब उठ खड़े होने लगे हैं कि दहिसर भाईंदर पश्चिम लिंक रोड कहीं ये आगामी चुनाव के लिए मीरा भाईंदर नागरिकों के लिए एक लॉलीपॉप तो नहीं है? आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साइबर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।